भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की कुर्सी के एक कदम और करीब पहुंच गए हैं। उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के चुनाव के लिए आयोजित दूसरे दौर की वोटिंग में धमाकेदार जीत दर्ज की है। गुरुवार को एलिमिनेशन राउंड के सेकेंड बैलेट रिजल्ट में भी सुनक 101 वोट्स के साथ टॉप पर रहे। वहीं एक और भारतीय मूल के नेता सुएला ब्रेवरमैन इस राउंड में बाहर हो गई। इसके अलावा पेनी मॉड्रॉ इस राउंड में 83 यानी 83 वोटों के साथ रेस में दूसरे नंबर पर रहे। 64 वोट के साथ तीसरे नंबर पर लिज ट्रस्ट रही। 49 यानी कि 49 वोट के साथ कैमी बेडनॉक चौथे नंबर पर रही। टॉम टुजेन 32 यानी 32 वोटों के साथ पांचवें, जबकि भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन 27 वोटों के साथ इस राउंड से बाहर हो गई। ब्रिटेन पीएम बनने के लिए ऋषि सुनक के सामने सबसे बड़ी चुनौती कंजर्वेटिव पार्टी में अपना नेतृत्व, अपनी लीडरशिप स्थापित करने की है। कंजर्वेटिव पार्टी में नेता चुनने की प्रक्रिया में एक कमेटी शामिल होती है और इस कमेटी के सदस्य पार्टी के सांसद ही होते हैं। नेता चुनने के लिए 3 स्तर की प्रक्रिया होती है, नॉमिनेशन, एलिमिनेशन और फाइनल सिलेक्शन। सुनक नॉमिनेशन राउंड में सबसे आगे रहे हैं। बुधवार से शुरू हुई एलिमिनेशन राउंड के फर्स्ट बैलेट रिजल्ट में भी वो टॉप पर थे। गुरुवार को एलिमिनेशन राउंड के सेकेंड बैलेट रिजल्ट में सुनक सबसे आगे रहे। बता दें कि एलिमिनेशन राउंड की अगली वोटिंग 18 जुलाई को होगी। इस राउंड की आखिरी वोटिंग 21 जुलाई को फाइनल होगी। तो नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अब एलिमिनेशन राउंड चल रहा है। फिलहाल ऋषि सुनक, भारतीय मूल के ऋषि सुनक इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं और वो शुरुआत से ही बैटर्स के, जो लोग बैटिंग करते हैं, सट्टेबाजों के भी फेवरेट रहे हैं। दूसरे दौर की वोटिंग के बाद शीर्ष पर काबिज सिर्फ 2 उम्मीदवार ही अगले राउंड में जाएंगे और इसके बाद ही कंजर्वेटिव पार्टी के नेता का ऐलान होगा। इस प्रक्रिया के पूरे होने के बाद पार्टी के नेता को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवाई जाएगी। तब तक बोरिस जॉनसन कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। नए प्रधानमंत्री 5 सितंबर को अपना पद ग्रहण करेंगे और संसद में 7 सितंबर को विपक्ष के सवालों का सामना करेंगे। बता दें ऋषि सुनक इंफोसिस के सह संस्थापक और दिग्गज कारोबारी एनआर नारायण मूर्ति के दामाद हैं। 42 साल के सुनक को फरवरी 2020 में बोरिस जॉनसन सरकार में वित्त मंत्री बनाया गया था। इसके बाद वो खासे चर्चा में आ गए थे और हाल ही में उन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया है। यॉर्कशायर के रिचमंड से सांसद ऋषि सुनक 2015 में पहली बार संसद पहुंचे थे। उस समय ब्रेक्जिट का समर्थन करने के चलते पार्टी में उनका कद लगातार बढ़ता चला गया। ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री टेरेसा मे की कैबिनेट में ऋषि सुनक ने जूनियर मिनिस्टर के तौर पर काम किया। उन्हें हमेशा से कंजर्वेटिव पार्टी के एक उभरते सितारे के रूप में देखा गया। बता दें ब्रिटेन में जन्मे ऋषि ने विंसेस्टर कॉलेज से राजनीति विज्ञान की पढ़ाई की। इसके बाद उनका दाखिला ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ, जहां उन्होंने फिलॉसफी और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। वो स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी में फुल ब्राइट स्कॉलर थे, जहां से उन्होंने MBA किया था। ऋषि सुनक ने ग्रेजुएशन के बाद गोल्डमैन सैक्स के साथ काम किया था और बाद में हेज फंड फर्म्स में पार्टनर बन गए थे। उन्होंने 1 अरब पाउंड की ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंपनी की स्थापना भी की थी। ये कंपनी ब्रिटेन के छोटे कारोबारों में निवेश में मददगार थी।